महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी के विपक्ष पर टिप्पणियों को लेकर हमला बोला। शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि इस चुनावी मौसम में विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चिंता का कारण है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है, नरेंद्र मोदी एक अहम पद पर है, लेकिन चुनावी रैलियों में वह जो बोल रहे हैं उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी के विपक्ष पर टिप्पणियों को लेकर हमला बोला। शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि इस चुनावी मौसम में विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चिंता का कारण है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है, नरेंद्र मोदी एक अहम पद पर है, लेकिन चुनावी रैलियों में वह जो बोल रहे हैं उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सभी 48 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी के विपक्ष पर टिप्पणियों को लेकर हमला बोला। शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि इस चुनावी मौसम में विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चिंता का कारण है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है, नरेंद्र मोदी एक अहम पद पर है, लेकिन चुनावी रैलियों में वह जो बोल रहे हैं उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है।